हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपका दोस्त और होस्ट ऑलराउंडर गेमिंग। तो आज का पहला न्यूज है एक्शन बोल्ट के बारे में। तो एक्शन बोल्ट ने ये बताया कि इन दिनों उनके फैमिली में काफी कुछ गलत हुआ है और एक तरह से बोला जाए तो उनके फैमिली के ऊपर सनी का साया पड़ा है। तो इन दिनों उनके फैमिली के ऊपर क्या कुछ गलत हुआ है उसके ऊपर बात करते हुए एक्शन बोल्ट ने क्या कुछ कहा था, सुन लीजिए। मेरे फैमिली में सनी चल रहा है, ठीक है। सनी चल रहा है मतलब गंदा लेवल पे सनी चल रहा है, ठीक है। अपने फैमिली पे पापा का कोविड थर्ड स्टेज, मम्मी का आंखों का प्रॉब्लम, पापा मम्मी सारे चेन्नई में, ठीक है। भाई भी उधर ही है। आज सुबह हमारा जो ट्रक है 10 चक्का, तो उसका अभी पलटी हो गया। वो सुबह से उधर ही था सर, शाम को 6 बजे घर आया। 6 बजे सब कुछ एक साथ, मतलब जितने भी कांड हो रहे हैं ना गाइस, सब एक साथ एक ही टाइम पे हो रहा है, ठीक है। मेरे को लगता है कि हमारे घर में सनी आ गया है। हमको ना बहुत बड़ा क्रिया का मतलब पूजा वगैरह करना पड़ेगा, समझ रहे हो ना, जैसे बंगाली में जोगो गोत्ता हुए, पूजा पाठ करना पड़ेगा ताकि घर में से हमारे फैमिली से सनी दादा चले जाए। अरे भाई मजाक नहीं कर रहा है, 2000 ये बस एक लास्ट 1 मंथ में ना क्या से क्या हो गया। इतना किस्मत खराब, जो क्रेन आया था ना उठाने के लिए उसका भी स्टार्ट नहीं हुआ, मतलब उठा दिया पलटी को सीधा कर दिया, रोड पे खड़ा कर दिया, सब कुछ स्टार्ट वगैरह हो गया। उसके बाद वो जो क्रेन लेने आया था ना उसका ही स्टार्ट नहीं हुआ, बताओ। उसके लिए मैकेनिक फिर बुलाया, फिर मैं घर आ गया। तब तक वेडनेसडे को मम्मी का ऑपरेशन है आंखों का। और इसके साथ ही एक्शन बोल्ट ने यह कहा कि वो अपना ब्लॉग चैनल बनाने वाले हैं। और आपको पता है कि एक्शन बोल्ट ने अपना फेस रिवील नहीं किया, तो ये भी हो सकता है कि ब्लॉग में वो अपना फेस रिवील कर दे। और इसके साथ ही कल उनके ब्लॉग चैनल पे पहला ब्लॉग वीडियो आएगा, तो इसके ऊपर ही एक्शन बोल्ट ने क्या कुछ कहा था, सुन लीजिए। गाइस रुको, अभी एक दो ब्लॉग बनाया, एक अपनी ट्रक का सिंपलिटी बनेगा और एक चंदन और गया था कल उसका, तो इसको एडिट वगैरह करना होगा। इससे पहले एक चैनल बनाना होगा ब्लॉगिंग के लिए, क्योंकि गाइस मैं गेमिंग और ब्लॉगिंग दोनों अलग करना रखना चाहता हूँ। हमारा पहला ब्लॉग आने वाला है बुधवार को, वेडनेसडे को। हमारा अगला न्यूज है टू बी गेमर के बारे में। तो टू बी गेमर और मिकासा का जो फाइट हुआ था वो अभी सॉल्व हो गया है, और इसी फाइट के वजह से इन दोनों को लोगों से काफी ज्यादा गालियां भी पड़ा था। तो अभी इसी के ऊपर बात करते हुए टू बी गेमर ने क्या कुछ कहा था उसके ये क्लिप आप लोग देख लीजिए, और पूरा वीडियो देखना है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। शायद 3 महीना तक गाइस हमारे चैनल में मिसिंग था, एंड एक झूठ नहीं बोलूंगा इस, ठीक है। मैं मतलब बहुत ही हेट भी खाया उस टाइम, ही हेट खाया, एंड बहुत बंदे बोलेंगे स्क्रिप्टेड भी है, और जिसको भी स्क्रिप्ट लगता है वो मतलब भाई आपका गाइस अच्छा रहो। एंड मतलब हमारा गाइस एक टाइम पे फाइट हो गया था, एंड फाइट होते होते अभी मतलब फाइनली हम लोग मिल गए, एंड अभी गाइस फाइनली अभी हमारे साथ है मिकासा। तो गाइस फाइनली आज हमारे साथ है मिकासा, एंड गाइस उससे पहले मैं एक चीज बोलना चाहूंगा गाइस, ठीक है। जब वो गया था तो लगा था कि गाइस मैं ही सही हूँ, एंड लाइक मैं ठीक हूँ, मेरा मतलब भाई चलो सर्वाइव कर लूंगा। एंड बाद में पता चला कि गाइस की होता है ना कि मतलब जब अपने पास होता है तो गाइस उसका वैल्यू नहीं होता है, जब जाने के बाद पता चलता है कि मतलब वो कौन है गाइस, ठीक है। तो ऐसा लगा था कि गाइस चलो वो तो मतलब एक मतलब एक दोस्त है, मतलब चलो हम कंटेंट साथ में बनाते, वो गया था कि अगर मुझे दूसरा मिल जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ गाइस, मतलब मन ही नहीं मन जाता ही नहीं था गाइस, ठीक है। तो वो फाइनली आ गया है मिकासा, एंड जो अंदर की बात है वो तो हम नहीं बता सकते आप लोग को, क्योंकि भाई आप लोग सपोर्ट तो करते हो, पर कोई कोई ऐसा होता है कि गाइस टिकटॉक में व्यूज के लिए छोटा छोटा क्लिप्स काट देते हैं, एंड इवन दोनों को मतलब इतना गाली पड़ा था, मैं आपको तो सॉरी बोलना चाहूँगा, ठीक है, क्योंकि लाइक उसने भी बहुत ही गाली खाया था, कमेंट भी टर्न ऑफ करना पड़ा था, मैं सब कुछ देखता था, मतलब दूसरा आईडी खोल के देखता था, मतलब 2-3 दिन के ब्लॉक होने के बाद। एंड फाइनली गाइस आज हमारे साथ मिकासा, एंड आप अगला न्यूज है बॉस ऑफिशियल के बारे में। तो बॉस ऑफिशियल ने जो पार्टनर प्रोग्राम के यूट्यूबर के ऊपर वीडियो बनाया था, तो उसके वजह से लोगों ने कुछ यूट्यूबर को हेट देना शुरू कर दिया। तो अभी इसी के ऊपर बॉस ऑफिशियल ने लोगों को हेट देने के लिए मना किया, और इसके साथ ही वो पार्टनर प्रोग्राम के रियलिटी के ऊपर वीडियो भी लाएंगे। तो आप लोग खुद सुन लीजिए कि इसके ऊपर उन्होंने क्या कहा था। तो हमने कल जो वीडियो डाला था ये वाला, उसके बाद बहुत से यूट्यूबर को जाके आप लोग हेट दे रहे हो, उन यूट्यूबर का मेरे पास मैसेज आ रहा है। देखो मैं एक चीज बताता हूँ, आप अगर किसी को हेट दे रहे हो बिल्कुल मत दो, मेरे वजह से या किसी की वजह से भी, मैं बस वीडियो आपको फनी के लिए एंड फैक्ट्स के लिए बनाता हूँ। मैं कभी नहीं बोलता हूँ किसी भी यूट्यूबर को हेट दो, देखो सबकी अपनी लाइफ है, अपने डिसीजंस है, तो मैं किसी भी यूट्यूबर को जाके हेट देने की जरूरत नहीं है। कहीं भी स्पैम मत करो, ना लाइव स्ट्रीम में ना वीडियोज में, कहीं पे भी नहीं। और बाकी मैं अगली वीडियो में बता दूंगा आपको सब कुछ। स्प्रेड लव।
अब बात करते हैं ज्ञान गेमिंग के बारे में। तो कल ज्ञान गेमिंग ने अपने चैनल पे ये वीडियो अपलोड किया था और ये वीडियो अपलोड करने से पहले उनके गर्लफ्रेंड ने अपने इंस्टा पे ये फोटो शेयर किया था और इसके कैप्शन में लिखा था बेबी बॉय और बेबी गर्ल। तो उनकी इस कैप्शन के वजह से लोगों को यही लगेगा कि वो किसी इंसान के बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं। और एक टाइम के लिए हमें भी ये लगा था कि वो इंसान के बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने गोद में लेके ये फोटो शेयर किया उससे सभी को यही लगेगा। पर बाद में जब वीडियो आया तो उसका पूरा मामला पता चल गया। तो आप लोग भी उनका ये क्लिप देख लीजिए और पूरा वीडियो देखना है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। दो दिन से गुस्सा क्यों थे गाइस, पता है कैसे गाइस? एक्चुअली दो दिन पहले आप उसके प्रियंका ब्लॉग्स में कैसे एक वीडियो आएगा, दो दिन पहले मैं उसके वीडियो में बोला था जब मैं एक लड़की के साथ मीट करने जा रहा हूँ 1 बजे तक, मीट है ये वाली लड़की जिसको देखने के लिए गया था मैं, तो आज इसको मुझे मिला तो मैं लेके आया। सदा बदमाश बच्चा है, लड़का है। अगला न्यूज स्टारलाइन राज के बारे में। तो उन्होंने जो GW मनीष एक्सपोज वाला वीडियो अपलोड किया था उसमें उनको स्ट्राइक आ गया और इस स्ट्राइक के वजह से उनके चैनल पे भी असर पड़ा है। तो आप लोग खुद सुन लीजिए कि इसके ऊपर उन्होंने क्या कहा था। तो ये गाइस जो मैंने हाल ही में एक वीडियो डाली थी GW मनीष एक्सपोज वाली, उस वीडियो पर गाइस पता नहीं कहां से स्ट्राइक आ गया है और जिसकी वजह से गाइस हमारा चैनल गाइस बहुत ही ज्यादा डाउन हो गया है और YouTube ने गाइस हमारी वीडियो की रिकमेंडेशन देना गाइस एकदम बंद कर दिया है। और टोटल गेमिंग अपनी स्ट्रीम के दौरान किसी एक यूट्यूबर को ट्रोल कर रहे थे, क्योंकि ये यूट्यूबर अपने वीडियो में ये बोलते हैं कि हिप हॉप बंडल वापस आने वाला है। तो इसी के ऊपर ट्रोल करते हुए टोटल गेमिंग ने क्या कुछ कहा था सुन लीजिए। हिप हॉप बंडल किधर है भाई? रुको रुको रुको, हिप हॉप बंडल अभी आ ही रहा है भाई, रास्ते में है भाई। ये यूट्यूब पे वीडियो देखा, हिप हॉप बंडल राज को रात को आ रहा है, अब तक आया नहीं है भाई। कल देखा था, मतलब कल दोपहर में वीडियो देखा, बोल रहा था जैसी लाइव स्ट्रीमिंग खत्म किया वो वीडियो देखा था और उसके अंदर उसने लिखा था हिप हॉप बंडल आ रहा है। उसके टाइटल में सैमसंग पारा भी था यार, वो झूठ नहीं बोलेगा, जिसके टाइटल में सैमसंग पारा होता है वो सच्ची बोलते हैं ज्यादातर यार। उसके टाइटल में ही था सैमसंग पारा एल, मतलब जो भी आता है सैमसंग पारा ये मोबाइल वो डिवाइस, सभी डिवाइस के नाम भी लिखे थे। एकदम जेन्युइन यूट्यूबर था। गिवअवे नहीं है भाई, हिप हॉप का गिवअवे नहीं है, हिप हॉप बंडल आने वाला ऐसा मैंने सुना। कल ही मैंने एक जेन्युइन यूट्यूबर का वीडियो देखा था, उसके टाइटल में सैमसंग पारा था, इस वजह से वो जेन्युइन था, वो कन्फर्म वहां से हो गया। और उसके बाद उसके 2 घंटे में 800 व्यूज आए थे और उसने बोला था कि आज रात 11 बजे या 12 बजे हिप हॉप बंडल आएगा। मैं वेट कर रहा हूँ, थोड़ा लेट हुआ है बट आ जाएगा, होप नहीं हारनी चाहिए। ये 100% अपडेट वाली न्यूज थी, पता है आपको? हाँ वही ना यार, वो बंदा एक बार नहीं हर दिन ऐसा वीडियो डालता है कि आज रात 12 बजे से हिप हॉप बंडल आने वाला है, तो वो बहुत जेन्युइन बंदा है यार। और फ्री फायर इंडिया चैनल पे जो टू साइड गेमर्स का जर्नी का वीडियो आने वाला था वो कल आ गया। तो अभी आप लोग अगर ये वीडियो देखना चाहते हैं तो जाके देख सकते हैं। और गाइस आप लोग अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग हमें इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं और इंस्टा का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और इसके साथ ही आप लोग हमारे फ्री फायर फनी वीडियो चैनल चुटकी मार को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अभी तक आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर दबाना। तो तब तक के लिए बाय।